क्या अनुपमा की खुशियां वापस आएंगी? राही अचानक से क्यों गायब हो गई? पाखी का असली मकसद क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेल इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुजारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे अनुपमा की, जो अपने दिलचस्प मूडों और भावनात्मक दृश्यों के लिए जानी जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे अनुपमा की जिंदगी में फिर से मच रहा है बड़ा हंगामा। हाल ही के एपिसोड में अनुपमा, जिसका किरदार निभा रही हैं रूपाली गांगुली, ने अनुज एक प्यार भरा लेटर और खूबसूरत तोहफा पाया। अनुज के प्यार ने अनुपमा को खुशियों से भर दिया, लेकिन जैसे ही वो अपने सुखद पलों को जीते हुए घर पहुंची, उसको एक बहुत बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, उसकी प्यारी बेटी राही अचानक से गायब हो गई। अनुपमा की आंखों में चिंता और डर साफ नजर आता है। राही गायब होने की खबर सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन कहानी में और भी मजेदार ट्विस्ट है। शाह परिवार के सदस्य डॉली, पाखी, तोशु और लीला अनुपमा पर आरोप लगाते हैं कि राही ने घर की ज्वेलरी चोरी कर ली है और वो घर से भाग गई है। अनुपमा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पाखी की चालाकी से सबूत भी राही के खिलाफ ही लगते हैं। पाखी ने दिवाली की पूजा के लिए अनुपमा को एक चांदी का सिक्का दिया था और उसी को इस्तेमाल चोरी के आरोप में किया जा रहा है। क्या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है? दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा कि पाखी की मंशा क्या है, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अनुपमा की जिज्ञासा उसे सच्चाई की ओर खींच लाती है। अनुपमा को पता चलता है कि असल में चोरी राही ने नहीं बल्कि पाखी की बेटी ईशानी ने की है। ईशानी अपने दोस्त कुणाल से पैसे उधार लेकर फंस गई है। कुणाल अपने पैसे वापस करने के लिए परेशान कर रहा है और उसे डर के लिए अगर ये बात किसी को पता चली तो उसका परिवार परेशान हो जाएगा। इस डर के चलते ईशानी और गलत रास्ता अपना लेती है। वो अनुपमा को अलमारी से ज्वेलरी और चांदी का सिक्का चुरा लेगी और उसका प्लान है कि वो राही पर चोरी का आरोप लगाएगी ताकि सब लोग उसी पर दोष भर दें, उसकी खुद की बेगुनाही बच जाए। अब अनुपमा के लिए ये साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी बेटी निर्दोष है। वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर राही के बेगुनाही को साबित करेगी और उसके लिए कड़ी मेहनत करती है। वो अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेती है और एक योजना बनाती है ताकि ईशानी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए और उसकी सच्चाई सबके सामने वापस लाई जाए। कहानी में रोमांच जब बढ़ जाएगा जब अनुपमा अपनी चतुराई से ईशानी को जाल में फंसा लेगी और वो कहेगी कि इस मुश्किल समय में अपनी बेटी को बचा पाएगी। दर्शकों को इस रोमांस सस्पेंस का बेसब्री से इंतज़ार है। अब जब लास्ट में सब कुछ साफ हो जाता है तो शाह परिवार हैरान रह जाएगा। अनुपमा की चतुराई और माँ का प्यार इस मुश्किल घड़ी में उसे जीत दिला देगा। राही को निर्दोषित करने के लिए उसके बाद अनुपमा परिवार को बताएगी कि माँ के लिए उसके बच्चों की बेगुनाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस कहानी में दर्शकों को प्यार, धोखे और एक माँ के संघर्ष का एहसास होगा। अनुपमा का संघर्ष केवल राही के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए था। क्या वो अपने बच्चों को इस मुश्किल समय से निकाल पाएगी? ये सवाल दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कराने पर मजबूत कर देगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अद्भुत सफर में अनुपमा के साथ। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी को हर पल के अंदाज लेंगे और इसका आनंद लेंगे। आपके लिए और भी अपडेट्स लाएंगे, तब तक खुश रहिए और अपने पसंदीदा शो को मजा लेते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।